हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मज़ामैथ में। आज का जो सेशन होगा हमारा क्लास ट्वेल्थ के लिए एक्सरसाइज 9.4 का पार्ट टू होगा। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके हैं। आज के इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो जाइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया हुआ है। कि क्वेश्चन है एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू वन, और हमें बोला हुआ है कि y इज़ इक्वल टू जीरो है कब, वैन x इज इक्वल टू टू। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, देखो तो जो x के वेरिएबल सब लेफ्ट हैंड साइड में रख लेंगे, यानी हमारे पास आएगा कि dy वाई इज इक्वल टू वन अपॉन x इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग आगे कि डी वाई इज इक्वल टू वन अपॉन जो एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इसका क्या करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं इसके अंदर। यानी क्या आएगा हमारे पास कि एक्स इंटू यहाँ पे होगा हमारे पास एक्स माइनस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन डी एक्स। ठीक है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो कि इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास डी एक्स। ठीक है, तो अब आप जानते हो कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करना है आप लोगों को। ठीक है, तो देखो करते हैं कैसे, यानी क्या होगा, देखो कि आपको जो फंक्शन होगा यानी कि वन अपॉन में एक्स इंटू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, आपका इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा किसमें कि ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन में। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, जो राइट हैंड साइड हमारा फंक्शन, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, यानी क्या बनेगा देखो यहाँ पर कि वन अपॉन में एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, आपका चेंज हो जाएगा किस चीज़ में, यहाँ पर एलसीएम लोगे आप क्या आएगा एक्स इंटू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन आपका एलसीएम आएगा। ऊपर क्या आएगा यहाँ पर आपके साथ कि एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास कि एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन बचेगा यहाँ पर, प्लस में बी के साथ आपके पास आएगा एक बार एक्स और एक्स प्लस वन आएगा, प्लस में सी के साथ आपका आएगा क्या एक्स और एक्स माइनस वन आएगा। ठीक है, तो देखो इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, आपके पास क्या बचेगा इधर कि वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, प्लस में बी इंटू एक्स प्लस वन, प्लस में सी इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, ए बी और सी की वैल्यू निकालने में, तो ए बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसमें एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं कि पुट एक्स इज इक्वल टू वन, हमने यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू को वन डालेंगे तो क्या होगा, देखो कि जो ए वाली टर्म होगी ये और सी वाली टर्म होगी जीरो बन बच हो जाएगी, आपके पास क्या बचेगा सी बी वाली टर्म, यानी क्या होगा आपके पास कि वन इज इक्वल टू ए वाले टर्म जीरो, वन माइनस वन जीरो होगा, तो बी की वैल्यू बचेगी आपके पास बी इंटू एक्स की जगह वन डालोगे यहाँ पे तो क्या आएगा इंटू वन इंटू में वन प्लस वन टू, तो यानी बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ से वन बाय टू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं कि यदि हम लोग देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसमें एक्स प्लस वन है, यहाँ भी एक्स प्लस वन है, यदि हम क्या करते हैं कि पुट एक्स की वैल्यू यहाँ से माइनस वन डालेंगे तो हमारे पास ए और बी दोनों जीरो हो जाएगा, सिर्फ सी बचेगा, यानी वैल्यू क्या आएगा हमारे पास कि वन इज इक्वल टू ए जीरो बी जीरो सी बचेगा, यानी सी इंटू माइनस वन इंटू में क्या आ जाएगा माइनस वन माइनस वन माइनस टू, तो माइनस टू इंटू माइनस वन क्या होता है टू होगा, यानी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगा आपके पास यहाँ पर वन बाय टू हो जाएगी। अब देखो क्या करना, हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा एक्स की वैल्यू को हम लोग जीरो पुट कर देते हैं, जीरो डालते हमारा सी और बी दोनों जीरो हो जाएगा, ए बचेगा से हमारे पास, यानी क्या आ जाएगा कि वन इज इक्वल टू ए इंटू माइनस वन इंटू प्लस वन,
क्या आएगा कि a इंटू माइनस वन इंटू प्लस वन, तो क्या आ जाएगा, तो a की वैल्यू यहाँ से देख के चलो हमारे पास क्या आएगी, माइनस वन आएगी। यानी हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है कि अपने तीनों वैल्यूज को यहाँ पर, इसको हम इक्वेशन वन मानते हैं, इसमें वैल्यू पुट करनी है हमें, ठीक है। यानी इक्वेशन हमारे पास अब देखो क्या बनेगी, आपके पास वैल्यू थी कि वन इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू है हमारे पास, एक्चुअली हमें जो वैल्यू पुट करनी है वो इस इक्वेशन में नहीं बल्कि हमें इसमें पुट करनी है, ठीक है। तो इसको वन नहीं मानेंगे हम लोग, इसको वन मान के चलते हैं, ठीक है, इसमें डालना हमें। तो देखो आपकी जो वैल्यू थी वो किस चीज़ में चेंज हो जाएगी कि वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन आपका चेंज हो जाएगा, किसमें, ए अपॉन एक्स था, ए की वैल्यू कितनी है माइनस वन, यानी क्या हो जाएगा आपका इसकी माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस में, बी अपॉन एक्स माइनस वन था, बी की वैल्यू कितनी है वन बाई टू, यानी ये बन जाएगा आपका इसकी वन अपॉन टू इंटू एक्स माइनस वन प्लस में, सी की वैल्यू वन बाई टू है यानी वन बाई टू इंटू एक्स प्लस में वन, ठीक है। जब आपको देखो इसके इंटीग्रेट कर रहे हैं इस फंक्शन को, तो इसकी जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा राइट वाला फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो क्या मिलता है हमें यहाँ से, तो इक्वेशन आपकी ये बन जाती है, इक्वेशन वन आपका ये वैल्यू बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, यानी क्या लिखें हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन में एक्स डी एक्स, तीनों फंक्शन का अलग अलग कर लेते हैं हम लोग, प्लस में वन बाई टू कॉन्स्टेंट को बाहर लिख लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस में, इसमें वन बाई टू बाहर लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में एक्स प्लस वन डी एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, डी वाई का हो जाएगा बस वाई इज इक्वल टू माइनस वन बाई, इसका क्या होगा आपका माइनस लोग ऑफ एक्स प्लस, इसका क्या होगा वन बाई टू लोग ऑफ क्या होगा आपका इसकी एक्स माइनस वन, यहाँ पे क्या होगा वन बाई टू लोग ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है। और साथ में क्या होगा, जब कॉन्स्टेंट टर्म में तो क्या आ जाएगा उसका लोग ऑफ, उसको हम लिख लेते हैं क्या सी, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं यहाँ से कि y हमारा किसमें चेंज हो जाएगा कि y इज इक्वल टू जो हमारा ये log x है, इसको क्या करते हैं हम लोग 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, यानी माइनस 2 बाई टू log ऑफ x प्लस 1 बाई टू log ऑफ x माइनस वन प्लस 1 बाई टू log ऑफ x प्लस वन प्लस में log ऑफ c, ठीक है। अब देखो क्या है कि यहाँ से सभी टर्म में से, इन तीनों में से जो तीनों टर्म आपके पास है यहाँ से, वो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास log ऑफ c है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले 1 बाई टू को कॉमन लेते हैं हम लोग, ठीक है। 1 बाई टू हमने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास कि माइनस टू log ऑफ x प्लस में log ऑफ x माइनस वन प्लस log ऑफ x प्लस वन और प्लस में 2 log ऑफ c, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, ये माइनस टू है, log की पावर चलेगा तो माइनस टू पर जाएगा, माइनस में जाएगा पावर, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, यानी क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर देखो कि log ऑफ 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि माइनस टू जाएगा, तो प्लस में ये क्या है log ऑफ x माइनस वन प्लस में log ऑफ x प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा log ऑफ c का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं यहाँ से हम लोग कि 1 बाई टू आपका कॉन्स्टेंट है, ये सभी log में है, ठीक है। तो क्या कहते हैं log ऑफ जो प्लस में है उसका मल्टीप्लीकेशन, जो डिवाइड में है वो नीचे डिवाइड डिवीजन में आ जाएगा, जो ठीक है। यानी कि देखो सभी के सभी क्या हो जाएंगे आपस में, यानी क्या होगा ऊपर की x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू सी का स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि x का ये तो प्लस में है लेकिन x को नीचे है ना, इसलिए x को नीचे आ गया आपका, ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन जाती है। अब ये क्या था आपके पास, y की वैल्यू थी। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि y की वैल्यू
जीरो होगी जब एक्स की वैल्यू क्या होगी आपके पास दो। तो यहाँ से वैल्यू पुट करके हम लोग सी की वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू पुट करो यानी वाई की वैल्यू हम जीरो डालेंगे, जीरो इज इक्वल टू वन बाय टू इंटू में लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू जगह डालेंगे टू, तो टू माइनस वन कितना होता है वन, और टू प्लस वन कितना होगा थ्री, यानी वन इंटू थ्री कितना होगा थ्री, यानी थ्री सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना एक्स की वैल्यू टू, यानी टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर, ठीक है इक्वल टू जीरो है आपका। अब क्या करते हैं देखो, वन बाय टू लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या बनेगा जीरो बनेगा, ठीक है और क्या होगा एंटी लॉग लेंगे यानी कि क्या हो जाएगा, तो इसके पार क्या लग जाएगा आपके पास ई रिच पर जीरो हो जाएगा, ये इक्वल में क्या हो जाएगा आपके पास कि थ्री सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर एंटी लॉग लेंगे। तो आप जानते हो किसी की पावर जीरो क्या होता है वन होता है, यानी यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी कि वन इज इक्वल टू थ्री सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे हम सी स्क्वायर की, यानी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ पर फोर बाय थ्री, ठीक है। अब देखो क्या है, जो आपके पास इक्वेशन आई थी हमारी ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर वो सी की वैल्यू डालेंगे, यानी क्या आएगा सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास फोर बाय थ्री है, तो सी स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे यहाँ से, यानी हमें यहाँ से क्या मिलेगा देखो वाई की वैल्यू, यानी कि y इज इक्वल टू हमें मिलेगा कि वन बाय टू लॉग ऑफ क्या है यहाँ से हमारे पास x माइनस वन एक्स प्लस वन, और सी स्क्वायर वैल्यू कितनी है हमारे पास फोर बाय थ्री, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फोर, नीचे आएगा हमारे पास थ्री और x का स्क्वायर, ठीक है ये हमारे गिवन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स कोस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए, जहाँ पर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है और हम इसने बोल रहा है कि वाई की वैल्यू वन है वैन एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ये हमें दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। अब हम इसे सोल्व करना है, देखो क्या है तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं यहाँ से, यानी क्या होगा कि डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स हो जाएगा हमारे पास, यानी कोस इनवर्स ए, ठीक है और क्या कहते हैं वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा कि डी वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स ए डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो जो कोस इनवर्स ए एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेट करते बोथ साइड, यानी हम क्या लिखेंगे कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हमें से क्या मिलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू, मैंने बताया कोस इनवर्स ए आपका कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो क्या होगा कोस इनवर्स ए आपका बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा आपके पास डी एक्स होगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसे इंटीग्रेट करो क्या मिलेगा आपको कि वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स ए डी एक्स, इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास एक्स हो जाएगा, प्लस में क्या होगा आपके पास सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर वन लिखते हैं इसको हम लोग। तो अब देखो क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ था कि जब यानी कि नाउ वाई की वैल्यू आपके पास क्या थी यहाँ पर वन थी, जब यानी कि व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ये कंडीशन आपके पास थी। तो देखो क्या करते हैं इसके अंदर हम लोग वाई और एक्स की वैल्यू डालते हैं, तो वाई की वैल्यू हमने वाई लगाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स ए इंटू एक्स की वैल्यू क्या डाली हमने जीरो, और प्लस में क्या था हमारे पास सी, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, यानी यहाँ से सी की वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास वन। जो सी की वैल्यू वन है इसको हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन वन में डालेंगे, यानी हमें यहाँ से क्या मिलेगा कि वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स ए एक्स आपका आगे हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास वन, ठीक है। तो क्या करते हैं देखो यहाँ से क्या होगा हमारे पास वाई जो वन जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं क्या बनेगा कि वाई माइनस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू कोस इनवर्स ए, ठीक है और जो x है इसको नीचे लेके आते हैं हम लोग, यानी कि y माइनस वन अपॉन में x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास कोस इनवर्स ए, ठीक है यहाँ तक समझे आप लोग। अब हमें क्या करना है ऐसे a की वैल्यू में लेके आते हैं जो कोस आपका इसको फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ, तो जो y माइनस वन अपॉन x है ये आपका एक एंगल की तरह काम करेगा, यानी बाहर क्या लग जाएगा बस कोस लग जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास ए, यानी ये आपके गिवन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया हुआ है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई टेन एक्स, जहाँ पर इसने बोला हुआ हमें कि वाई की वैल्यू वन है कब जब आपके पास एक्स की वैल्यू जीरो हो, ठीक है। तो क्या कर सकते पहले वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, यानी तो जो वाई होगा क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू
टेन एक्स इंटू में डी एक्स, इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड, लिखेंगे हम लोग क्या, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो कैसे क्या मिलेगा हमें कि इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करते हमें क्या मिलेगा, यानी लॉग ऑफ वाई हो जाएगा हमारे यहाँ पर इज इक्वल टू टेन एक्स का इंटीग्रेशन। अब जानते हो क्या होता है, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स होता है, और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास प्लस में, क्योंकि सभी टर्म लॉग में, तो इसको भी लिखते हैं लॉग ऑफ सी, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, और सी के साथ लिखते हैं हम लोग, यानी कि लॉग ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर सी इंटू सीकेंट एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ लॉग से लॉग कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास कि वाई इज इक्वल टू सी इंटू में क्या हो जाएगा सीकेंट एक्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन वन का नाम देते हैं। आगे क्या देखते हैं हम लोग कि अब हमें बोला हुआ था इसने कि जब y की वैल्यू आपके पास 1 थी, वैन कब, जब आपके पास x की वैल्यू क्या हो 0 हो, ठीक है। तो y की वैल्यू हमने डाला 1 इज इक्वल टू सी इंटू सीकेंट 0, ठीक है, हमने डाला यहाँ पर। अब देखो क्या है कि सीकेंट की वैल्यू 0 पे क्या होती है 1 होती है, यानी यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगी। अब जो c की वैल्यू 1 है इसको हम लोग क्या करते हैं अपनी वैल्यू इक्वेशन 1 में डालते हैं, यानी क्या आ जाएगा ऐसे कि y इज इक्वल टू c की वैल्यू 1, यानी y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका सीकेंट x। ये आपके गिवन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ है कि एक इक्वेशन है, इक्वेशन निकाले हमें कर्व की, जो पास हो रहा है, जो पॉइंट हमें दिया हुआ है वो हमारे पास क्या है 0 और 0, ठीक है। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या हमारे पास कि y डैश इज इक्वल टू e रेज टू पावर x साइन x, ठीक है। तो हमें इक्वेशन निकालनी कर्व की जो पास कर रहा है इस पॉइंट से, ठीक है। देखो क्या है, तो y डैश मतलब क्या dy बाई dx, यानी आपको दिया हुआ है क्या कि dy अपॉन में dx इज इक्वल टू e रेज टू पावर x साइन x। वेरिएबल सेपरेट करते हैं, dx को राइट हैंड साइड लेके आते हैं, क्या मिलेगा हमें कि dy इज इक्वल टू e रेज टू पावर x साइन x dx, ठीक है। अब करते हैं इंटीग्रेशन, यानी क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ से कि इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेट करो इसको, अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स है यहाँ पर क्या है ये, यानी दो फंक्शन एक्स में ही, तो इसके अंदर क्या लगाएंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन मेथड वाला, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई के पास क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू, देखो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग देख के चलें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है आपका, यानी साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन होगा आपका, तो क्या होता है आपके पास इंटीग्रेशन कि फर्स्ट फंक्शन सेम सेकेंड का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स का डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स, और टोटल का भी इंटीग्रेशन होता है आप जानते हो, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा बस फंक्शन किस चीज़ में चेंज हो जाएगा ये, यानी कि साइन एक्स आपके पास सेम रहेगा इंटू ई रेज टू पावर एक्स भी आपके पास सेम रहेगा ठीक है। अब देखो क्या है कि हमारे पास जो ये फंक्शन था ना इस वाले फंक्शन को, इसको हम लोग क्या करते हैं सिर्फ इसको आई मान लेते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा कि आई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये हमने क्यों माना इसके देखो आगे पता चलेगा हमने क्यों माना। तो यानी कि आई हम सोल्व कर रहे हैं तो आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या चलेगा ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन सेम होगा आपके पास माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ, देखो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है कोस एक्स होता है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस एक्स इंटू, और यहाँ पर देखो तो ई रेज टू पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन क्या होगा वो भी यहाँ पर सेम होगा, क्या होगा ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स होगा। अब क्या करते हैं देखो कि हमारे पास जो ये वाला फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं हम लोग, यानी क्या आएगा हमारे पास देखो कि साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स हमारे पास है माइनस में, तो देखो इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं क्या होगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस एक्स हमारा तो फर्स्ट फंक्शन होगा, यानी क्या आएगा कि फर्स्ट फंक्शन सेम सेकेंड का इंटीग्रेशन
माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स डी एक्स इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमें कि आई हमारा ये यानी क्या हो जाएगा हमारे पास कि साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स हमारे पास कॉन्स्टेंट ये है ही ऑलरेडी हमारे पास माइनस दो कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा बस क्या आएगा कोस एक्स ही होगा और ई रेज टू पावर एक्स का क्या होगा सेम होगा ये माइनस था हमने ब्रैकेट खोलते ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ देखो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, और ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सेम ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स ही होगा। ठीक है, तो ये आई था हमारा यानी आई इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा फिर से साइन एक्स इंटू ई टू पावर एक्स माइनस कोस एक्स ई रेज टू पावर एक्स देखो माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस तो देखो साइन एक्स इंटू ई टू पावर एक्स बचेगा हमारे पास और इंटीग्रेशन उसका क्या था हमारे पास आई था तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस आई। ठीक है, तो जो आई हमारा इसको हम लोग क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो प्लस हो जाएगा यानी आई प्लस आई कितना हो जाएगा प्लस टू आई हो जाएगा यानी कि टू आई इज इक्वल टू और इन दोनों में से हम लोग क्या कहते हैं ई टू पावर एक्स कॉमन लेते हैं हमने कॉमन लिया हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर कि साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ठीक है, यानी आई जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगा क्या आएगा इसके पास कि ई टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारे पास टू। ठीक है, अब इसका हमारे पास इंटीग्रेशन आ चुका है तो जो ये आई वाली वैल्यू थी हम इसको वापस अपने इक्वेशन पुट करते हैं हमारे पास इक्वेशन थी क्या यानी कि y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई था तो इंटीग्रेशन हो चुका हमारा इंटीग्रेशन होकर क्या वैल्यू है हमारे पास ये यानी कि e रिज टू पावर x साइन x माइनस कोस x डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ चुकी है तो इसका हम लोग नाम देते हैं क्या इक्वेशन नंबर वन। अब इसने हमसे बोला कि जो हमारा कर्व है जो पास कर रहा है पॉइंट से किससे जीरो जीरो से इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू भी y है और y की वैल्यू भी y है। क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पर नाउ कर्व पासिज थ्रू जीरो जीरो इसका मतलब x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू जीरो तो डालो y की वैल्यू जीरो इज इक्वल टू ई टू पावर जीरो जाएगा आपके पास यहाँ पर क्या होगा आपके पास कि साइन जीरो माइनस कोस जीरो अपॉन में क्या हो जाएगा नीचे आपके पास टू हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमें यहाँ से कि जीरो इज इक्वल टू जो टू है आपका यहीं पे रहने देंगे यानी जीरो इज इक्वल टू देखो हम मैंने बताया था किसी की पावर जीरो क्या होता है वन होता है वन इंटू में साइन जीरो कितना होगा जीरो कोस जीरो कितना होता है वन। ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा आपके पास माइनस वन इंटू माइनस वन। ठीक है, और देखो साथ हम लोग यहाँ पर जो इंटीग्रेशन किया था हमने इसके साथ हमने सी नहीं लिया तो प्लस में सी लेके चलेंगे हम लोग यहाँ पर प्लस में सी लेके चलेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा प्लस सी और यहाँ पर क्या होगा डिवाइडेड बाई टू प्लस में सी क्योंकि ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये सी के लिए तो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये माइनस वन बाई टू हो जाएगा यानी कि जीरो इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू प्लस में सी यानी यहाँ से देख के चलो सी के हमारे पास कितनी आती है प्लस का वन बाय टू। ठीक है, अब जो सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जो हमारे पास इक्वेशन टू थी इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी इक्वेशन टू हमारे पास क्या थी कि y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x इंटू में साइन x माइनस कोस x डिवाइडेड बाई टू प्लस में c था यानी क्या हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा इसके साथ वन बाय टू। ठीक है, तो वैसे क्या करते हैं देखो वन बाय टू कॉमन लेते हैं और कॉमन लेके लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं सबसे पहले कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा कि वन बाय टू अंदर क्या बचेगा हमारे पास कि e टू पावर x सॉरी साइन एक्स माइनस कोस एक्स होगा यहाँ पर साइन एक्स माइनस कोस एक्स और प्लस में क्या बचेगा हमारे पास अंदर वन बचेगा जो टू है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं क्या बचेगा टू वाई हो जाएगा यानी कि टू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में वन। ठीक है, अब क्या करते हैं जो हमारे पास वन है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं यानी क्या हो जाएगा कि 2y माइनस वन इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई सबसे पहले हमें क्या कि एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू और y प्लस टू
ठीक है, और इसने बोला हुआ है हमें कि इसके लिए हमें कर्व पास कर रहा है, जो पॉइंट हमारे पास क्या है वो वन और माइनस वन है। ठीक, हमें इक्वेशन निकाली, इसमें हमें क्या निकाला, सॉल्यूशन निकालना है कर्व का। पॉइंट क्या हमारे पास, वन और माइनस वन। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, वेरिएबल को सेपरेट करना। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे हम लोग तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो कि y ऑलरेडी है हमारे पास, y प्लस टू हमारे पास नीचे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, डी एक्स। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, यदि मान लो इसका हमें इंटीग्रेट करना पड़े तो हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा इजी करते हैं। ठीक है, जो ऊपर वाई है इसमें क्या करते हैं हम लोग, प्लस टू कर लेते हैं और माइनस टू कर लेते हैं। ठीक है, डी वाई इज इक्वल टू, और जो नीचे से क्या करते हैं हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, एक्स बाई एक्स प्लस में टू बाई एक्स डी एक्स चेंज। देखो फिर इन दोनों को सेपरेट करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा कि y प्लस टू डिवाइडेड बाई y प्लस टू माइनस टू अपॉन y प्लस टू डी वाई इज इक्वल टू एक्स एक्स कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे y प्लस टू कैंसिल, यहाँ बचेगा वन प्लस में टू बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, यानी क्या होगा यहाँ पर कि वन माइनस टू अपॉन y प्लस टू डी वाई इज इक्वल टू वन प्लस टू बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन, यानी क्या लिखते हैं हम लोग कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से कि जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, यानी इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस टू अपॉन वाई प्लस टू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस टू बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो क्या है, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास यहाँ पर, वाई माइनस टू अपॉन वाई प्लस टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो तो टू कॉन्स्टेंट आपके पास, वन अपॉन वाई प्लस टू क्या हो जाएगा आपके पास, लॉग ऑफ वाई प्लस टू। ठीक है, हो जाएगा ऐसे ही। राइट हैंड साइड में क्या है, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास, एक्स होगा प्लस में, यहाँ पर टू कॉन्स्टेंट है, वन बाई क्या हो जाएगा आपके पास, लॉग ऑफ एक्स प्लस में क्या लोगे आप लोग यहाँ पर, सी। ठीक है, अब देखो क्या है कि वाई माइनस लॉग की प्रॉपर्टी क्या आती है कि जो पावर होती है क्या हो जाएगा, ऊपर चली जाएगी, यानी क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पर कि लॉग ऑफ वाई प्लस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस में, यहाँ पर भी सेम लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस में सी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग के टर्म एक तरफ करते हैं, कॉन्स्टेंट एक तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास कि वाई माइनस एक्स हो जाएगा माइनस सी इज इक्वल टू, ये क्या हमारे पास कि लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में लॉग ऑफ के पास वाई प्लस में टू इसका स्क्वायर हो जाएगा। और आप जानते हैं लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ ए प्लस बी लॉग ऑफ ए इनटू बी होता है, तो कर दो आप लोग क्या क्या मिलेगा यहाँ पर आपको कि वाई माइनस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू वाई प्लस टू इसका स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसने हमें कि जो कर्व हमारा, इसने बोला कर्व हमारा वन और माइनस वन पॉइंट से पास कर रहा है। अब देखो जो कर्व जो आपको जो पॉइंट आपको दिया हुआ है वो क्या है, वन और माइनस वन, इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक्स की वैल्यू वन है और वाई की वैल्यू क्या है, माइनस वन है। आपने वाई की जगह माइनस वन रखा और एक्स की जगह आपने क्या रखा, वन, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस वन हो जाएगा। और माइनस सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ, तो एक्स की जगह वन रखा, वन का स्क्वायर कितना होगा, वन इंटू वाई की जगह माइनस वन रखा तो टू माइनस वन कितना होगा, वन, वन का स्क्वायर कितना होगा, वन, ये कितना हो जाएगा, सी माइनस टू इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन। आप जानते हैं लॉग वन की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, यानी क्या हो जाएगा कि माइनस सी इज इक्वल टू टू, तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस टू, आपके पास सी की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, जो ये सी की वैल्यू जो आपके पास आई है इसको इसको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन वन मानते हैं, इसमें डालेंगे हम लोग। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलता है कि वाई माइनस एक्स, सी की जगह माइनस टू और माइनस सी ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ये लगेगा प्लस टू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू वाई प्लस टू इस पूरे का
होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपके गिवन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया हुआ है कि इक्वेशन निकालने में कर्व की जो पास कर रहा पॉइंट जो हमें दिया हुआ है वो है हमारे पास 0 और -2, ठीक है। इसने बोला हुआ है कि गिवन दैट एट एनी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट एक्स वाई जो कर्व पर है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है। अब बात को समझो, ठीक है, इसने बोला हुआ है हमसे जो प्रोडक्ट है स्लोप का टेंजेंट के साथ एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के साथ इक्वल है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के, ठीक है। अब क्या है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले मान लो हम मान के चलेंगे कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसको मानते हैं हम लोग एक्स, और जो वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास होगा उसको हम लोग क्या मानते हैं, वाई, ठीक है। अब इसने बोला कि जो स्लोप होता है आपका, स्लोप क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है ना, हम जानते हैं कि जो हमारे पास जो स्लोप होता है किसी भी इक्वेशन का वो क्या होता है, स्लोप, स्लोप आपके पास होता है डिफरेंशिएशन, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, ये स्लोप होता है, आपको जानते हो इस चीज़ को, तो ठीक है। अब इसने हमें इन्फॉर्मेशन क्या दिया क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर इसने हमें बोला हुआ है कि जो प्रोडक्ट है स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, जो प्रोडक्ट है किसका, स्लोप का, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का प्रोडक्ट किसके साथ, वाई कोऑर्डिनेट के साथ, इक्वल है हमारा किसके, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, यानी कि एक्स के इक्वल हमारा, ठीक है। ये हमें इसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यानी ये हमारे पास क्या बन जाएगी, हमारी जो क्वेश्चन से बोल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी हमारी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। अब देखो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट करते हैं, यानी क्या होगा कि वाई डॉट डी वाई इज इक्वल टू एक्स डॉट डी एक्स होगा, यहाँ से होगा सब। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, यानी क्या लिखेंगे हम लोग कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो देखो हमें ऐसे क्या मिलेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ वाई डॉट डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा इसका, हम जानते हो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू होगा इसका, इक्वल में क्या होगा इसका, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास सी, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, देखो कि जो हमारे पास ये टू है वाई स्क्वायर के नीचे, इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, क्या बनेगा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस में टू सी, क्योंकि ये टू से टू कैंसिल होकर जाएगा और सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अपना इक्वेशन वन मान के चलते हैं। अब इसने हमसे बोला हुआ था क्वेश्चन के अंदर कि जो कर्व है वो पास कर रहा है जो पॉइंट है, ठीक है। तो जो कर्व पास कर रहा है पॉइंट से क्या लिखेंगे हम लोग, कि कर्व पासेज थ्रू, पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, 0 और -2। अब देखो जब इस कर्व की बात करते हैं हम लोग, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2 हो जाएगा। अब इन वैल्यू क्या करते हैं, इक्वेशन में डालते हैं, यानी y का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, x की वैल्यू 0 यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c, 2 से 2 पर कैंसिल, यानी यहाँ से देखे चलते तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आती है, हमारे पास 2 आती है, ठीक है। अब c की जो वैल्यू हमारे पास 2 आई है, इसको हम लोग वापस अपने इक्वेशन 1 में डालते हैं, क्या मिलेगा हमें कि y का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, तो 2c है, 2c वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगा, यानी कि 4, ये हमारे पास इसका राइट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ है क्या, किसने बोला हुआ है कि कोई भी पॉइंट एक्स वाई कर्व के ऊपर, ठीक है, जो स्लोप है ना टेंजेंट का। तो देखो हमें चीज़ें जो जिस हिसाब से दी हुई है उस हिसाब से हम देखकर चलते हैं, क्या कि आप जानते हो कि जो स्लोप होता है टेंजेंट का क्या होता है, स्लोप डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो चीज़ें देखो लिख के चलते हैं हम लोग, डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है। अब इसने बोला हुआ है कि जो टेंजेंट स्लोप है ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द पॉइंट -4 और -3। हम इक्वेशन निकालने कर्व की जो पास होती है -2 और 1 से, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट का स्लोप की बात कर रहा है, तो आप जानते हो इसके लिए क्या होता है, यानी ये क्या लिखोगे आप लोग, जो स्लोप, अब देखो टू पॉइंट स्लोप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, टू पॉइंट स्लोप। अब टू पॉइंट स्लोप क्या होता है आपके पास, कि y2 - y1 / x2 - x1, यही बोल रहे हैं।
तो इसने जो पॉइंट नंबर ए आपको दिया हुआ है वो क्या आपके पास कि एक्स और वाई मान लो, और दूसरा जो पॉइंट आपके पास वो इसने दिया हुआ है कि माइनस फोर और माइनस थ्री। तो यहाँ से टू पॉइंट स्लोप क्या निकलेगा, ऐसे इसको मानते हैं हम लोग, क्या एम वन मान लो इसको, तो क्या होगा आपके पास कि वाई माइनस माइनस थ्री यानी वाई प्लस थ्री हो जाएगा आपके पास, डिवाइड बाई क्या होगा एक्स माइनस माइनस फोर यानी कि एक्स प्लस में फोर हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा स्लोप। तो इसने हमसे बोला हुआ है, ठीक है, एक स्लोप हो गया और इसको हम लोग क्या मानते हैं दूसरा स्लोप यानी एम टू मान लेते हैं, ठीक है। अब इसने बोला हुआ हमारे पास है कि जो ये स्लोप है यानी कि एम टू जो टेंजेंट का स्लोप है एम टू, ये इक्वल आपका किसके ट्वाइस ऑफ एम वन के, यानी लाइन सेगमेंट वाले स्लोप के ट्वाइस के इक्वल है, इसने क्वेश्चन आपसे ये बोला हुआ है, ठीक है। तो देखो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, यहाँ से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं अपना, यानी क्या होगा देखो, तो एम टू की जो वैल्यू आपके पास कितनी है, एम टू की वैल्यू आपके पास डी वाई बाई डी एक्स है, यानी कि डी वाई अपोन में डी एक्स इज इक्वल टू टू इंटू एम वन, कितना आपके पास वाई प्लस में थ्री डिवाइडेड बाई एक्स प्लस में फोर, ठीक है, यही है। तो क्या करते हैं वेरिएबल सेपरेट करते हैं सबसे पहले, यानी क्या होगा आपके पास कि डी वाई अपोन में वाई प्लस थ्री हो जाएगा इज इक्वल टू टू अपोन में क्या हो जाएगा एक्स प्लस में फोर डी एक्स, बात समझे। अब क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन हो गया, इंटीग्रेट करना है बस, यानी कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हमसे क्या मिलता है यहाँ से कि इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन में वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टू कॉन्स्टेंट बाहर लोगे आप वन अपॉन में एक्स प्लस फोर डी एक्स, ठीक है। अब इसका करते हैं हम लोग क्या इंटीग्रेशन, तो वन अपॉन वाई प्लस थ्री क्या होगा लॉग ऑफ वाई प्लस थ्री प्लस में टू इंटू सॉरी इक्वल है वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लॉग ऑफ एक्स प्लस में फोर, तो सभी टर्म लॉग इसको लॉग में लेते हैं हम लोग लॉग ऑफ सी, ठीक है। तो देखो क्या है कि ये टू आ गए तो टू इसके एक्स प्लस फोर की पावर लग जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ऊपर यहाँ पर कि लॉग ऑफ वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू इसको लिखते हैं हम लोग क्या कि लॉग ऑफ एक्स प्लस फोर की पावर टू प्लस में लॉग ऑफ सी, ठीक है। अब देखो सभी तरफ लॉग है, क्या करते हैं हम लोग कि लॉग को एक कैलकुलेट करते हैं इसको, यानी कि आप जानते हो ए प्लस बी क्या होता है ए इंटू बी, यानी ये क्या बन जाएगा लॉग ऑफ सी इंटू एक्स प्लस फोर का स्क्वायर, लॉग से लॉग कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर कि वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस फोर का स्क्वायर, ठीक है। अब इससे हमसे बोला था कि हमें इक्वेशन निकालना है जब आपका जो पॉइंट है वो पास कर रहा हो किसे माइनस टू और वन से, यानी माइनस टू और वन आपको पॉइंट दिया हुआ है। अब क्या करते हैं हम लोग कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी हमारे पास माइनस टू है और y की वैल्यू कितनी हमारे पास यहाँ पर वन है, तो वैल्यू डालते हैं x की जगह हमने वन डाला, यानी वन प्लस थ्री इज इक्वल टू सी इंटू एक्स की जगह डालेंगे माइनस टू, यानी माइनस टू प्लस में फोर इसका स्क्वायर, थ्री प्लस वन फोर इज इक्वल टू सी इंटू फोर माइनस टू 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 का स्क्वायर फोर, यानी c की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर वन, ठीक है। अब जो c की वैल्यू वन आई है इसको हम लोग क्या करते हैं अपने इक्वेशन में डालते हैं, ठीक है। और जो इक्वेशन थी हमारे पास क्या थी, इक्वेशन ये थी हमारे पास, ठीक है, इसको हम लेते हैं इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में सी की वैल्यू को डालते हैं, यानी हमें क्या मिलता है देखो यहाँ से कि वाई प्लस में थ्री इज इक्वल टू सी की जगह वन, यानी कि एक्स प्लस फोर का स्क्वायर, ये हमारा राइट आंसर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून जो है एक कॉन्स्टेंट रेट से हवा भर रहे हैं उसके अंदर, तो चेंज हो रहा है, ठीक है। इसने बोला कि यदि इनिशियली शुरुआत में उसकी जब रेडियस 3 यूनिट थी वो 3 सेकंड के बाद उसकी यूनिट कितनी 6 हो जाती है, तो हमें रेडियस निकालनी है बलून की टी सेकंड के बाद, ठीक है। अब एक कॉन्स्टेंट रेट के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है आपका डी बाई डी एक्स होता है, तो क्या लिखें हम लोग कि हम मानते हैं क्या लेट रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना होगा, हम इसको मान लेते हैं के, एक कॉन्स्टेंट साथ चेंज हो रहा है, मान लो किसी को बोले ना कॉन्स्टेंट रेट, तो हम इसको के मान लेते हैं कॉन्स्टेंट रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चेंज को क्या लिखते हैं हम लोग डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट करेंगे इसको, और ये टाइम के साथ चेंज हो तो डी वाई बाई डी टी, उसको वाई नहीं बल्कि वॉल्यूम में, तो उसको वी लिख लेते हैं हम लोग डी वी अपॉन में टाइम के अकॉर्डिंग, तो डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास के, ठीक है। अब आप जानते हो जो वॉल्यूम होता है, क्या वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है आपके पास, यानी v इज इक्वल टू ये होता है 4 बाय 3 पाई आर क्यूब, तो v की जगह वैल्यू डालते हैं,
यानी कि d अपॉन dt क्या 4 बाय 3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर k, ठीक है। अब ये देखो जो चेंज हो रहा है वो रेडियस, इसने बोला ना कि जो रेडियस आपकी, इसने बोला कि जो r1 आपका इनिशियल थी वो कितनी थी 3 यूनिट थी और r2 आपका कितनी होगी 6, चेंज क्या हुआ रेडियस, तो 4 बाय 3 पाई को हम कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं, ये हमारा बाहर हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास d अपॉन dt किसका r क्यूब इज इक्वल टू k, इसको हम लोग करते हैं, ये मैं बता रहा हूँ वो समझो बात को थोड़ा। अब देखो क्या है कि 4 बाय 3 पाई, अब देखो यहाँ पे चेंज r हो रहा है टाइम के रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग पे, लेकिन जो r है वो टाइम का कोई फंक्शन नहीं है, इसमें क्या करेंगे इसका सो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका r क्यूब का क्या होगा आपका 3 r स्क्वायर इंटू फिर r का क्या होगा डी आर अपॉन में डी टी, बात को समझो ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा यहाँ पर k, ठीक है, तो 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में डी आर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू k, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग डी टी को राइट हैंड साइड लेके आते हैं, क्या मिलेगा हमें ऐसे कि 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में डी आर इज इक्वल टू k इंटू डी टी, ठीक है। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन, यानी क्या लिखेंगे हम लोग कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब देखो 4 पाई आर स्क्वायर आपका क्या है कॉन्स्टेंट है, लेकिन यहाँ पे डी आर के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आर स्क्वायर आपका साथ में आएगा, यानी क्या कॉन्स्टेंट आएगा आपका 4 पाई, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू में डी आर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में किया आपका क्या है कॉन्स्टेंट है इंटू में क्या आ जाए आपके पास डी टी, ठीक है, तो 4 पाई। अब आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास कि आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू के इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा बस टी होगा, साथ में क्या आएगा आपके पास सी आएगा, ठीक है। अब तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, देखो जो 3 है आपका इसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड साइड में, यानी क्या बन जाएगा कि 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 3 यहीं पर रहेगा के टी प्लस में सी, तो इसको हम लोग मानते हैं अपना इक्वेशन 1, ठीक है। तो इसने हमसे बोला कि इनिशियली आपका रेडियस 3 था, यानी कि हम लोग क्या मानते हैं क्या, तो इसको देखो पॉइंट 1 देते हैं कब, जब आपके पास टी की वैल्यू मान लो 0 थी तो आर आपके पास 3 था, मानते इस बात को, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इन वैल्यू डालते हैं हम लोग यहाँ पर तो क्या बनेगा देखो कि 4 पाई इंटू आर की वैल्यू 3 डालो, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है 27 इज इक्वल टू 3 इंटू टी की वैल्यू 0 तो के 0 हो जाएगा 3 सी बचेगा आपके पास 3 से उसको काटो 9 पर तो सी की वैल्यू कितनी आएगा आपके पास 36 पाई, बात समझे। आगे इसने हमसे बोला सेकंड केस में क्वेश्चन ने हमसे बोला कि जब आपके पास टी जो है टाइम जो है 3 सेकंड बाद इसने बोला रेडियस हमारी चेंज हो किस में आ गई 6 पे 6 मिनट हो गया 6 हो गया ये वैल्यू डालते हैं हम लोग यानी क्या मिलेगा हमें 4 पाई आर की क्यूब यानी 6 क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास 216 होता है इज इक्वल टू 3 इंटू के इंटू टी तो टी की वैल्यू 3 है यानी क्या हो जाएगा 3 टी प्लस में सी ठीक है तो 3 से कैंसिल करो इसको 72 पे जाएगा यानी कि 4 पाई इंटू 72 कितना होता है 288 पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 3 टी प्लस में सी ठीक है तो आपके पास जो C की वैल्यू आई थी इससे पहले वो क्या थी 36 पाई तो C की वैल्यू डालते हैं हम लोग यहाँ से कि हमने यहाँ पे एक काम कर दिया है एक्चुअली यहाँ पे 3t नहीं 3k होगा यहाँ पे ये और यहाँ पर भी क्या होगा ये k तो हम ऐसे k की वैल्यू निकालेंगे तो C की वैल्यू 36 पाई को डालते हैं यहाँ से यानी क्या होगा कि 288 पाई इज इक्वल टू 3k प्लस में कितना है यहाँ पर ये 36 पाई है इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं एंड 288 माइनस 36 पाई कितना बचेगा 252 लेकिन ये बचेगा आपका इसकी 252 पाई इज इक्वल टू 3k 3 से कैंसिल करो इसको ये कितने जाएगा 3 8 जा 24 और 3 4 जा 12 84 यानी कि यहाँ से आप देख के चलो तो k की वैल्यू आपको मिलती है कितनी मिलती है यहाँ से 84 पाई मिलती है ठीक है ये आपके पास k की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करना है आपको k की वैल्यू को जो इक्वेशन 1 में डालना है आपको ठीक है तो इक्वेशन 1 क्या आता है आपके पास कि 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू सी टी तो सी की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे
सॉरी यहाँ पे क्या था आपके पास, के टी था है ना, के कॉन्स्टेंट था, तो के साथ क्या आपके पास 84 पाई वैल्यू आपके पास, 84 पाई टी प्लस में सी, सी की वैल्यू कितनी आपके पास यहाँ पर 36 पाई, ठीक है। तो देखो पाई को मान लेके पाई कैंसिल करते हैं, पाई से पाई पाई कैंसिल आपका हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर आपके पास 4r³ इज इक्वल टू 3 × 84 टी प्लस में 36, 4 से डिवाइड करते हैं इसको, ये 4 पे गया, ये कितने पे जाएगा 21, और ये कितने पे जाएगा 9 पर। तो क्या होगा आपके पास कि r³ इज इक्वल टू, और जो 3 इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंतर, यानी 21 3 जा 63 होता है, यानी 63 प्लस में 9 3 जा 27, ठीक है। और हमें यहाँ से निकालना क्या था, एक्चुअली हमें रेडियस निकालना था, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, तो r इज इक्वल टू 63 प्लस में 27, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/3। ये आपका गिवन क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया हुआ है कि एक बैंक के अंदर जो प्रिंसिपल है कंटिन्यूस जो 8% के रेट से इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी है आर की, जब 100 रुपये अपने को डबल कर लेते हैं 10 सालों में, ठीक है। और इसने हमें लॉग ऑफ 2e² की वैल्यू हमें दी हुई है कितना 0.6931, ठीक है। अब बात को समझो कि हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन के अंदर कि प्रिंसिपल को मानते हैं पी, हम मानते हैं कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है शुरुआत में वो हमारे पास पी, ठीक है। और जो टाइम है हमारे पास वो हमारे पास टी, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, रेट जो हमारे पास कितना है आर, हमने तीन चीज़ें मान ली, ठीक है। अब इसने बोला कि क्वेश्चन के अंदर कि रेट जो है हमारा जो प्रिंसिपल है आर परसेंट के हिसाब से हर साल बढ़ रहा है, यानी जो चेंज हो रहा है ना इसके अंदर dp अपॉन में टाइम के अकॉर्डिंग dt कितना r परसेंट। अब r परसेंट परसेंट आप जानते हो अपॉन में 100 लगाता है, यानी r अपॉन में 100 इतना बढ़ रहा है, किसका बढ़ रहा है, प्रिंसिपल तो बढ़ रहा है, तो इंटू में p क्योंकि प्रिंसिपल का बढ़ रहा है ना। अब देखो आपसे बोले कि भाई 100 रुपये आपके पास 5% आपसे डेली बढ़ रहे हैं, यदि 5% बढ़ा मतलब कितने 5 बढ़ रहे हैं किसके 100 के साथ 105 रुपये हो रहे हैं इस हिसाब से, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसका, ये हो गया। अब क्या करते हैं वेरिएबल सेपरेट करेंगे सबसे पहले, यानी क्या होगा आपके पास कि dp अपॉन में p इज इक्वल टू r अपॉन 100 इंटू में dt, ठीक है। करो इंटीग्रेट करो बोथ साइड्स, यानी कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dp अपॉन में p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पर r अपॉन 100 आपका कॉन्स्टेंट होगा, क्या आएगा आपके पास यहाँ पर dt, इंटीग्रेशन क्या होगा इसका लॉग ऑफ p इज इक्वल टू r अपॉन 100 इंटू में t, ठीक है, हो गया। और साथ में आपके पास क्या हो जाएगा कोई कॉन्स्टेंट c, ठीक है, लॉग है दोनों तरफ एंटी लॉग, लॉग क्या होगा यानी p इज इक्वल टू ये लग जाएगा e^r अपॉन 100, ये rt अपॉन 100 हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा बस सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मानेंगे हम लोग इक्वेशन 1। अभी समझो बात को, अब इसने बोला था शुरुआत में कि जब आपके पास फर्स्ट केस में टी की वैल्यू 0 थी तो जो आपके पास जो प्रिंसिपल था वो कितना था 100, वैल्यू डालो पी की वैल्यू 100 इज इक्वल टू e^r, टी की वैल्यू 0 थी सब वो 0 बन जाएगा, प्लस में क्या बचेगा e^c बचेगा आपके पास, ठीक है, यही तो बचेगा। अब इसने बोला आपसे आगे कि जब टी की वैल्यू आपके पास 10 हुई, तो 10 साल के बाद ये बात कर रहे हैं, तो इसने बोला प्रिंसिपल अपने आप को डबल कर लेता है, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपके पास कि 2 × 100 डबल करेगा, यानी कि 200 हो गया डबल। तो अब ये देखो इक्वेशन वन जो थी आपके पास क्या बन जाएगी, अब प्रिंसिपल की जगह क्या डालेगा, 200 इज इक्वल टू e^r क्या था rt/100, तो टी की वैल्यू 10 है, यानी कि 10r/100 प्लस में सी 0 कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर कि 200 इज इक्वल टू e^r/10 प्लस में सी हुआ। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 200 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या कि e^r/10 × e^c लिख सकते हैं इसको। अब e^c की वैल्यू क्या थी हमारे पास 100 थी, इसी वैल्यू को यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं, यानी क्या मिलेगा यहाँ से देखो कि 200 जो ये वाली वैल्यू थी इसको यहाँ पर डालेंगे हम लोग, यानी 200 इज इक्वल टू e^r/10 × क्या हमारे पास 100 है, कैंसिल 2 पर,
यानी कि हमें यहाँ से क्या मिलेगा, देखो कि e रिज टू पावर r अपॉन में tan इज इक्वल टू 2 मिलेगा यहाँ से हमें। तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों तरफ लोग लेते हैं, यानी ये क्या बन जाएगा हमारे पास कि r बाई tan इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास क्या, log ऑफ 2 बन जाएगा। ये बेस आपको ये इक्वेशन दी हुई थी, इसकी वैल्यू कितनी, यानी कि r बाई tan इज इक्वल टू 0.6931, ये क्वेश्चन गिवन था। tan को राइट हैंड साइड में लेके आओगे तो r ही वाला पास कितनी हो जाएगी यहाँ पर, r इज इक्वल टू 6.931। आपको r की वैल्यू निकालनी थी, यानी परसेंटेज के हिसाब से देखे तो जो वैल्यू आपके r कितनी हो जाएगी 6.93%। ये आपका गिवन क्वेश्चन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है कि सेम क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास जो इंटरेस्ट बढ़ रहा था वो r परसेंट के हिसाब से था, यहाँ पर है 5%। उसमें जो अमाउंट था वो कितना था, 1000 था, ठीक है। तो इसने बोला है कि हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, इसने हमें क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या था हमारे पास सीधा सीधा कि dp अपॉन में dt इज इक्वल टू r परसेंट, यानी कि 5%, 5 अपॉन में 100 इंटू में p, वेरिएबल सेपरेट करो, ये कितना हो जाएगा, नीचे करके 20 हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेट करते हमारे पास क्या आएगा कि देखो dp अपॉन में p इज इक्वल टू 1/20 अपॉन कॉन्स्टेंट इंटू में क्या हो जाएगा पास यहाँ पर dt, इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड, लिखेंगे हम लोग क्या कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा हमें ऐसे कि dp अपॉन में p इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/20 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ dt। ये क्या होगा आपके पास log ऑफ p इज इक्वल टू 1/20 dt के साथ क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर t प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास c, ठीक है। तो एंटी लॉग करते हैं, यानी p की वैल्यू कितनी हो जाएगा आपके पास यहाँ पर कि e रेज टू पावर t/20 प्लस में c, इक्वेशन 1 मानो, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि जब t की वैल्यू आपके पास 0 है तो प्रिंसिपल आपके पास कितना है, 1000 है, प्रिंसिपल वैल्यू डालो 1000, आपने डाला क्या मिला e रेज टू पावर t वैल्यू 0, यानी c बचेगा, ये आपके पास वैल्यू आ गई रेज टू पावर c की। जब इसने हमसे बोला कि जब t की वैल्यू 10 हो जाएगी तो प्रिंसिपल क्या होगा, इसने हमसे ये बोला है, ठीक है। तो इक्वेशन आपके पास अब यहाँ पर क्या बनेगी कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू इज जो पावर 10/20 यानी 1/2 प्लस में c, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इज जो पावर 1/2 इंटू इज जो पावर c, इज जो पावर c की वैल्यू कितनी है, 1000 है, वैल्यू डालो, यानी क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पर देखो कि p इज इक्वल टू इज जो पावर 1/2 इंटू में 1000 हो गया, ठीक है। अब इज जो पावर 2 यानी 0.5 होता है, इसकी वैल्यू में क्वेश्चन में दी हुई है कितनी, 1.648, यानी क्या हो जाएगा कि p इक्वल टू 1.648 इंटू में 1000, यानी p की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 1648। ये आपका गिवन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी 10 साल बाद जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 1648। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो हमें दिया हुआ है कि जो बैक्टीरिया काउंट थे शुरुआत में कितने थे, 100,000 थे। अब जो नंबर इंक्रीज हो रहा है 10% के हिसाब से 2 घंटे में, हर 2 घंटे में 10% बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसने बोला है कि कितने घंटे में जो काउंट आपकी 200,000 हो जाएगी यदि ग्रोथ जो है बैक्टीरियल की प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, जो प्रेजेंट नंबर है उसके हिसाब से, यानी कि यदि आपके पास 100 है तो कितने बढ़े, 10% 110 हो जाते हैं, अगली बार जब बढ़ेंगे वो 110 पे बढ़ेंगे ना कि 100 पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसने बोला हुआ है। अब देखो क्या है, हम मान लेते हैं शुरुआत में नंबर बैक्टीरिया मानते हैं कितने थे हमारे पास, नंबर ऑफ बैक्टीरिया को मान लेते हम लोग वाई, शुरुआत में वाई मान लिया अपना, ठीक है। अब देखो बात को समझो, इसने बोला है जो रेट ऑफ ग्रोथ है ना बैक्टीरिया की प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, जो भी नंबर प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल बोला है, यानी कि जो चेंज है डी वाई अपॉन में डी टी टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंज है प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे क्या, वाई। अब प्रोपोर्शन हटाएंगे तो कोई कॉन्स्टेंट लगेगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर देखो कि डी वाई अपॉन में डी टी इज इक्वल टू के वाई बना, ठीक है। अब क्या करते हैं कि वेरिएबल सेपरेट करते हैं, यानी क्या होगा आपके पास कि डी वाई अपॉन में वाई इज इक्वल टू के डी टी, आप करो क्या इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा आपको कि डी वाई अपॉन में वाई इज इक्वल टू के आपका कॉन्स्टेंट होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, क्या मिलेगा यहाँ से आपको कि log ऑफ y इज इक्वल टू के टी प्लस में c, इसको मानते हैं हम लोग अपना इक्वेशन 1। अब बात को समझो, देखो
शुरुआत में जब हमारे पास टाइम जीरो था तो इसने बोला कि एक नंबर ऑफ बैक्टीरिया थे हमारे पास, ठीक है, और ये हर दो घंटे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक मार के चलते हैं, लेट क्या लिखते हैं कि इनिशियली जब टाइम हमारे पास जीरो था तो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे ना, y की जो वैल्यू थी हमारे पास कितना मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि p नंबर थे हमारे पास, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर कि log ऑफ p इक्वल टू के टी, टी की वैल्यू कितनी है जीरो, यानी ये बन जाएगा c, तो c की वैल्यू कितनी है आपके पास, log ऑफ p आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, जो c की वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम इक्वेशन वन में डालते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, देखो कि log ऑफ y, log ऑफ y इज इक्वल टू के टी प्लस में log ऑफ p, log ऑफ p को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, यानी कि log ऑफ y माइनस log ऑफ p इज इक्वल टू के टी, log कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें, यानी log ऑफ y अपॉन में p, प्रॉपर्टी से करेंगे हम लोग इसको, यानी के टी, इसको हम लोग क्या मानते हैं अपने इक्वेशन नंबर दो, बात को समझो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो दोनों इक्वेशन आ चुकी है, तो इसने हमसे बोला था कि जो बैक्टीरिया हर दो घंटे में 10% इंक्रीज होता है, एवरी टू आवर, क्या बोला इसने कि बैक्टीरिया इंक्रीजेज 10% एवरी टू आवर, इसका मतलब क्या है कि जो बैक्टीरिया वाई है जो इनिशियली थे कितने थे, पी थे, उसका 110% हो जाता है, हो गया जीरो से जीरो कैंसिल, कितना हो गया 11p अपॉन में 10, ये वैल्यू हो जाती है हमारी, यानी यहाँ से देख के चलो हमारे पास y बाई p की जो वैल्यू कितनी आएगी, हमारे पास 11/10 आएगी y बाई p की वैल्यू, जो y बाई p की जो हमारे पास वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं अपने इक्वेशन टू में डालते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू कि log ऑफ, तो y बाई p कितना होगा हमारे पास 11/10, यानी कि 11/10 इज इक्वल टू, अब देखो इसने बोला है कि 2 आवर, यानी टाइम भी तो आपके पास अब दो हुआ है ना, दो घंटे बढ़े हैं, तो क्या हो जाएगा 2 into k, ये हो जाएगा आपके पास 2 into k हो जाएगा आपके पास, हुआ ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग इसको, देखो 2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, यानी क्या बनेगा देखो यहाँ पर कि 1/2 log ऑफ 11/10 इज इक्वल टू के, ये हमारे पास के की वैल्यू आ जाती है यहाँ से, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे पास इक्वेशन टू थी, हमारे पास इक्वेशन टू थी उसके अंदर इस वैल्यू को हम लोग डालते हैं, तो देखो इक्वेशन नंबर दो हमारे पास क्या थी कि लोगो वाई बाई पी इक्वल टू के इन टू टी था, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम के की वैल्यू इसके अंदर डालेंगे, तो क्या करते हैं देखो हमारे पास इक्वेशन पहले क्या था कि 1/2 लोगो, सॉरी नहीं, क्या कि लोग ऑफ हमारे पास था यहाँ पर वाई अपॉन में पी इज इक्वल टू के की वैल्यू डालेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा हमारे पास कि 1/2 log ऑफ 11/10 इंटू में टी, ठीक है। अब देखो क्या है कि जो पावर है 1/2 आपके पास यहाँ पर, टी भी आपके पास यहाँ पर, तो क्या करते हैं जो हम लोग जो 2 है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, यानी क्या मिलेगा हमें यहाँ पर कि 2 log ऑफ y अपॉन में पी इज इक्वल टू log ऑफ 11/10 और साथ में क्या आपके पास यहाँ पर, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, ऐसे टी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 2 log ऑफ वाई अपॉन में पी अपॉन में log ऑफ 11/10, ये आपका टी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको मानते हैं हम लोग क्या इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखो इसने बोला कि बैक्टीरिया जो था आपके पास 1 लाख थे शुरुआत में, ठीक है, और टाइम जो था वो हमें निकालना है कि वो 2 लाख कितनी देर में होंगे। अब देखो क्या है, शुरुआत में थे 1 लाख, बाद में कितने आपके 2 लाख, यानी कि डबल हो रहे, सीधी सीधी सी बात है, यानी कि जो वाई है आपका वो किसके इक्वल हो रहा है 2 into p के, क्योंकि पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी हमने माना था इनिशियली 1 लाख माना था हमने, ठीक है, और वाई हमारे पास क्या था फाइनली, यानी कि 2 लाख माना था हमने, ठीक है। तो y इक्वल टू 2p हो रहा है, कब ये बोल रहा है, कब टाइम, कब एट टाइम, जो टाइम आपके पास क्या है, अब क्या है जो इक्वेशन नंबर 3 है, हम यहाँ से वैल्यू को देख के चलें, तो वैल्यू डालते हैं हमारे पास, यानी t इज इक्वल टू 2 log ऑफ, अब देखो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 लाख है, और b वैल्यू कितनी 1 लाख, 2 लाख बटे बटे 1 लाख कितना होगा 2 होगा, डिवाइडेड बाई log ऑफ
11 बाई 10, ठीक है। ये आपके पास क्या है, आपका टाइम आया, यानी ये क्या होगा आपका गिवन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया हुआ है कि जनरल सॉल्यूशन निकालें डिफरेंशियल इक्वेशन का। इक्वेशन हमें दी हुई है कि डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस में वाई, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, इज ऊपर एक्स प्लस वाई को क्या लिखते हैं हम लोग, यानी कि डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर वाई। वेरिएबल सेपरेट करते हैं, क्या आएगा हमारे पास कि डी वाई अपॉन में ई रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स इंटू में डी एक्स। इंडिकेट करते हैं बोथ साइड, क्या लिखेंगे हम लोग कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यानी क्या मिलेगा कि देखो ई रेज टू पावर वाई नीचे इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, ई रेज टू पावर माइनस वाई होगा हमारे पास, डी वाई इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ई रेज टू पावर आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल का सेम होता है, यानी ई रेज टू पावर माइनस वाई के ऊपर माइनस वाई होगा, और माइनस वाई कितना होगा माइनस वन होगा आपके पास जानते हो, इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स का सेम ई रेज टू पावर एक्स ही होगा, साथ में क्या आ जाएगा आपके पास के हो जाएगा, ठीक है। यानी ये चेंज हो जाएगा किस चीज़ में, यानी कि ई रेज टू पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस में के, के को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं माइनस के हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स प्लस में ई रेज टू पावर माइनस वाई, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं माइनस के जो कौन से को सी मान लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा कि ई रेज टू पावर एक्स प्लस में ई रेज टू पावर माइनस वाई इज इक्वल टू सी, ये हमारा राइट आंसर होगा। वेयर लिखोगे आप क्या कि वेयर सी इज इक्वल टू माइनस के, ऑप्शन देख के चाहिए तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो गाइज आज के सेशन में बस इतना ही, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 9.4 ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, और प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर